कहीं से धुआं आ रहा है इसमें, कहाँ से आ रहा है एक मिनट देखते हैं, कहीं डायोड तो नहीं ये हीट हो रहा है। हाँ ये डायोड बहुत तेज़ हीट हो रहा है दोस्तों, ये डायोड बहुत ही तेज़ी से हीट हो रहा है, इसका मतलब कहीं इसके आगे शॉर्टिंग है। मैंने तो सीधा लगाया ना डायोड, हाँ सीधा ही तो लगाया है कि उल्टा लग गया है। आगे आगे सब पॉजिटिव ही तो है, एक मिनट देख लेता हूँ, प्रिंट मिला के सीधा तो लगाया है क्योंकि प्रिंट जल गया था उस तरफ। हाँ सीधा लगा है। और इसकी सप्लाई होकर कहाँ जाती है अपनी, इसकी सप्लाई जा रही है इधर, कहाँ चली गई, घूम फिर के फिर इधर चली आई। चलिए देखते हैं इधर, इधर पे जीना डायोड लगा है क्या, इधर पे जीना डायोड है एक, इसको चेक करते हैं। तुम पहले से क्यों बज रहे हो यार, शांत हो जाओ। ये सही है जीनो डायोड, और फिर से मिलाते हैं सप्लाई इधर से। तो ये उधर जा रहा है, फिर वहीं पहुंचा। यहाँ पर ये आ गया कहाँ पर, वर्टिकल आईसी पर। तो दोस्तों ये वर्टिकल आईसी पर सप्लाई चली आई है अपनी। हाँ तो वर्टिकल आईसी कंटिन्यूटी चेक करने पर बीप भी दे रहा है, और यहाँ पर एक कुछ लगा है, क्यों यहाँ पे शॉर्टिंग दिखाया इसने, 13 पॉइंट की शॉर्टिंग, 13 ओम की, इस तरफ नहीं है लेकिन यहाँ पर है। एक मिनट इसको हम ड्राई करके देख लेते हैं आईसी को, हो सकता है इसकी आईसी भी गड़बड़ हो गई हो। हाँ तो दोस्तों ये हमने वर्टिकल आईसी को ड्राई कर दिया है, और इसके बाद मीटर को फिर से लेते हैं वोल्टेज वाली रेंज पर, 1000 की रेंज। ये बार बार मेन वायर का वायर जो है, मेन लाइट का वायर, सीरीज बल्ब तुरंत जल के ऑफ हुआ, टीवी ऑन हो गई दोस्तों। अब टीवी ऑन हुई अभी को, एसटी अभी को देखिए बनी है। अब मैं आपको दिखाऊँ तो इसका मतलब एसटी के इसमें 180 वोल्ट की सप्लाई बन चुकी होगी। ये कितना है, 190-95, 200 वोल्ट की सप्लाई लगभग लगभग, और फिलामेंट जलने लगा है। तो सप्लाई अपनी पूरी हो चुकी है, यहाँ पर इस सप्लाई को भी चेक कर लेते हैं। देखिए 120, 120, और ये कितना रहा यार, 28-29 की सप्लाई, और ये 13-14। चलिए डिस्प्ले देखते हैं कुछ आता है या नहीं, क्योंकि उनका कहना भी था कि काफ़ी देर से पिक्चर आती है, तो यहाँ पर देखते हैं कुछ रिस्पांस निकलता है। हाँ तो वर्टिकल लाइन के साथ आ चुकी है पिक्चर। तो सबसे पहले तो इसमें ये वर्टिकल आईसी लगानी पड़ेगी, इतनी देरी से ये फॉल्ट खोजने पर मिला, तो काफ़ी समय ले लिया इसने। और यहाँ से हम इस आईसी को बिल्कुल ही कर देते हैं ड्राई, निकालना है बाहर अब ना। तो दोस्तों बीच में कस्टमर आ गए थे इसलिए थोड़ा सा हमको रुकना पड़ा, रुके क्या दोस्तों, हम लोग फिर से काम पे जा रही है। आईसी को मैं खोल रहा हूँ अभी, तो निकालते हैं बिल्कुल बाहर, देखते हैं क्या नंबर है इनका।
ये नंबर है अपना 8302A, STV 8302A, ये नंबर देख लीजिए। कैमरा यार क्यों धोखा दे रहे हो, यहाँ से इधर से आड़ करते हैं, तब करते हैं ढकते हैं तो दिखेगा। ये देखिए 8302A, ठीक है। तो IC पहले लगाते हैं इसमें हम। सो दोस्तों ये मैं यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ 78040, क्योंकि दोस्तों ये अपनी निगाह ने धोखा दे दिया, क्योंकि यहाँ पर ये 9302 है, तो इसमें हम लगाने जा रहे हैं अपना 78040। देखते हैं ये वर्क करती है या नहीं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर हमने इस IC को लगा के सोल्ड कर लिया है, और अब हम चलते हैं टेस्टिंग की तरफ, देखते हैं कुछ रिस्पॉन्स निकलता है या नहीं। अभी यहाँ पर हमने ये PF वगैरह जो है कि नहीं लगाया है, और इसकी सप्लाई मुझे कुछ ज़्यादा लग रही है, क्योंकि 110 वोल्ट पे इसको होना चाहिए, तो 120 है। तो पहले तो देखते हैं ऑन होती है या नहीं। ऑन तो हो गई है। आगे डिस्प्ले देखते हैं, डिस्प्ले पे क्या कहता है। लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, लेकिन क्लियरिटी नहीं है। मैं आपको इस तरफ करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसको घुमा दिया, और अब लगाते हैं इसको पावर में। तो ये देखिए यहाँ पर लाइट आने वाली है, लेकिन क्लियरिटी नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों कस्टमर ने पहले हमको बता दिया था कि बहुत लेट फिक्चर आती है और क्लियर बिल्कुल नहीं आता है। तो लाइट आ चुकी है, और सीरीज भी अपना थोड़ा ज़्यादा जल रहा है, इतना है। ये देखिए इतना बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ज़्यादा है। तो इसको सप्लाई हम जैसे ही कम करेंगे तो सही हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें बेस भी अपना हम लगाएंगे, हालांकि कई सामान ख़राब निकल चुके हैं, और देखते हैं और क्या क्या दिक्कत करता है इसमें। फ़िलहाल अब तो सही हो गया है, क्योंकि अब ऑन हो चुकी है। इस बेस को हम नया लगा देते हैं, क्योंकि बहुत गंदा हो चुका है ये, ठीक है। और लगाने के बाद मिलते हैं, क्योंकि वीडियो ऐसे भी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो दोस्तों हमने अपना इसमें बेस लगा लिया है। ये देखिए कोई दूसरे कंपनी का बेस लगाया है, नॉर्मल बेस, ठीक है। और इसमें दोस्तों इसका ESD कैप भी लीकेज था, उसका भी हमने सही कर लिया है, और बिल्कुल हमारी समस्या ओके सही हो चुकी है। तो दोस्तों हम मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।